हेलो मेरे 2 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि 2 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम आपका कर रही है इंतजार। स्टूडेंट, आप सभी का 2 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, सर इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, मुझे इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इंग्लिश का कोई एक ऐसा पेपर लेकर आइए जिससे 2 मार्च में काफी सारे क्वेश्चन आए। तो आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। जब बोर्ड एग्जाम ज्यादा नजदीक आता है तब मैं इस पेपर को लेकर आता हूं, और इस पेपर से मैंने देखा है लगभग 50% क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अगर आपको भी इस बार इंग्लिश में 100 में 99 लाना है तो भैया इस पेपर को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। 2 मार्च से पहले अगर आप देख रहे हैं आधी रात को तो भी देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि 2 मार्च इंग्लिश का ये एक वायरल पेपर है और मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा। जहां तक हो सकेगा मैं पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जिनको लगता है सर मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, मुझे इंग्लिश में अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, तो काहे को टेंशन ले रहे हो, हम दिलाएंगे आपको पूरा नंबर। बस इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 12 इंग्लिश 2024 पेपर कोड आपका DK 316 के इंग्लिश का पेपर है। रोल नंबर नेम ऐसे आपका लिखा रहेगा, ठीक है। देखो समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। कुछ निर्देश इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है। दूसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा ABCD। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसका नंबरिंग उसके सामने दिया गया है। देखो हमारा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए रीडिंग। देखो सेक्शन ए रीडिंग जो है 15 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर का, सेक्शन सी आपका ग्रामर 25 नंबर का, और सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का पेपर आएगा। ऑल टोटल इज 100, ऑल इज वेल, ठीक है। देखो सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग रहेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कैसे हम इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं 3-3 नंबर के, देखो 3-3, 6-3, 9-3, 12 और 1-1 नंबर का, ये 3-15 नंबर, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो टेंशन मत लो, देखो कैसे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन नीचे होते हैं ना इसका आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिल जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है, ढूंढ ढूंढ कर लिख दो। देखो कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल सटीक ही आप लिखें, अगर आप बहुत तेज हैं पढ़ने में, अच्छे हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो स्टूडेंट कम बहुत अच्छे से पढ़े नहीं है वो भी इसका आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इसी में से देख के उसी को वर्ड को मिला के बहुत आसानी से आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखो पहले मैं इसको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ो और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर तो देखो, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा। देखो व्हाट एवर योर टास्क मे बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल, यानी कि व्हाट एवर योर टास्क, आपका कार्य जो भी हो, व्हाट एवर जो भी योर टास्क आपका कार्य हो, मे बी हो, कंसंट्रेट मतलब केंद्रित करें योर होल माइंड अपने पूरे मस्तिष्क को अपान इट, उस पर थ्रो इनटू उसमें झोंक दें, थ्रो इनटू का मतलब झोंक देना, इट ऑल द एनर्जी अपनी पूरी ऊर्जा आप व्हिच यू आर कैपेबल, जितने ज्यादा आप कैपेबल हो। तो यानी कि आपका कार्य जो भी हो अपना पूरा मन उस कार्य पर केंद्रित करें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दें जिसमें आप सक्षम है। कैपेबल का मतलब सक्षम, मतलब जो भी कार्य करें पूरी ऊर्जा के साथ करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि जो काम करें पूरी शिद्दत के साथ करें, तभी आपको अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनवेटेबली टू लार्ज टास्क, यानी कि द फॉल्टलेस कंप्लीशन, जो फॉल्टलेस का मतलब होता है दोष रहित, ठीक है। कंप्लीशन का मतलब होता है समापन, कंप्लीट, समाप्त, समापन, ठीक है। आप स्मॉल टास्क छोटे छोटे कार्यों का लीड्स का मतलब वो ले जाता है इनवेटेबली का मतलब अनिवार्य रूप से टू लार्जर टास्क, यानी कि बड़े कार्यों की तरफ। तो अक्सर छोटे छोटे कार्यों का दोष रहित समापन अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर ले जाता है। छोटे छोटे कार्य करके आप बड़े काम तक पहुंच सकते हैं। सी टू इट दैट, इन सब का ध्यान रखें
ठीक है, दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, यानी कि यू राइज, आप लगातार राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठे, राइज का मतलब उठना, ठीक है, एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठे और कभी ना गिरें, ठीक है। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, एंड हियर इन, और यहीं पर है लाइज, छिपा द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सीक्रेट का मतलब रहस्य ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। लर्न, आप सीखें, लर्न का मतलब होता है सीखें, बाय कंस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि निरंतर अभ्यास से सीखें, हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस, यानी कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग कैसे करें, रिसोर्सेस का मतलब संसाधन, एंड टू कंसंट्रेट देम, और उस पर केंद्रित कैसे हों, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट, यानी कि किसी दिए गए बिंदु पर। तो निरंतर अभ्यास से सीखें कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें और उन्हें किसी भी समय किसी भी दिए गए बिंदु पर कैसे केंद्रित करें। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, फूलिश चैटर आर सेल्फिश आर्गुमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि द फूलिश, जो मूर्ख लोग होते हैं, कंसंट्रेट, वो केंद्रित करते हैं देम, सॉरी, वेस्ट ऑल देयर मेंटल, यानी कि वे वेस्ट, बर्बाद करते हैं, आर ऑल देयर मेंटल, अपनी सारी मानसिक एंड स्पिरिचुअल एनर्जी और आध्यात्मिक ऊर्जा को इन फ्रिवोलिटी, यानी कि तुच्छता में, फूलिश, मूर्खता में, मूर्खतापूर्ण चैटर, बकवास में, और सेल्फिश आर्गुमेंट, सेल्फिश आर्गुमेंट का मतलब होता है स्वार्थी तर्क वितर्क में, ठीक है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा तुच्छता, मूर्खतापूर्ण बकवास और स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और व्यर्थ शारीरिक जादतियों का जिक्र तो मैंने नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको ध्यान से मैंने इंग्लिश हिंदी मीनिंग के साथ बताया, अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता है फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब क्वेश्चन, देखो ए, अब समझ में आएगा आपको, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो हमें अपना कार्य फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना चाहिए, यहां से लिख दो, बी डू आवर टास्क कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, मतलब हमें अपने कार्य को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना चाहिए, वी शुड डू आवर टास्क फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर माइंड, ऐसे आपको थोड़ा बना चढ़ा के लिख देना। बी देखो, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब कभी नहीं गिरेंगे, तो आप कब कभी नहीं गिरेंगे, जब आप छोटे छोटे कार्यों से कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे, और खुद का माइंड अगर कंसंट्रेट रखेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे, थोड़ा बना के, थोड़ा ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा होगा तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख देंगे। सी, व्हेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, मतलब ट्रू पावर यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। तो देखो यहां पर लिखा है, यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि आपको क्या है कि आप निरंतर चढ़ते रहे और कभी न गिरे, यही सच्ची शक्ति का पावर छिपा है, ठीक है, सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। ई, फर्स्ट, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, इसमें किस, इस पैसेज में किसका कौन सा वर्ड है जो फॉल्स का अपोजिट है, फॉल्स का मतलब गलत, तो देखो ट्रू है, ये अपोजिट है फॉल्स का, तो ट्रू होगा, ठीक है, ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ कर वोकैबुलरी लिखना है। दूसरा, व्हाट इज मीन्ट बाय टू कॉन्सेंट्रेट, टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है, टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब है किसी चीज को करने के लिए फुल ध्यान केंद्रित करना, उसको आपको लिख देना है। गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम क्या होगा, फूलिश का एंटोनिम होगा वाइज, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। देखो मैंने 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और एक एक नंबर इसका 15 नंबर मैंने कंप्लीट करा दिया। देखो भाई मैंने यहाँ पे कराया है, इंग्लिश की कॉपी लिखना भी मैंने सिखाया, मैंने आपको अनसीन पैसेज भी अलग से सॉल्व कराया है, उसको जाकर देखो, यहाँ पे मैं पूरा पेपर बता रहा हूँ तो पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे जैसा मैं दे रहा हूँ वैसा ही दूंगा, और बाकी आपको खुद क्रिएट करना है, बाकी आपको जाकर देखना है जो मैंने क्लासेस आपको पहले प्रोवाइड करा रखी है। तो सेक्शन ए 15 नंबर का हमारा यही होगा। सेक्शन बी देखो, राइटिंग सेक्शन, ए 10 नंबर का आता, 20 नंबर का, 10 और 10, 10 का आर्टिकल, 10 का लेटर। देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि लगभग 100 से 150 वर्ड में किसी टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना। ये है टेररिज्म, ये थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको आर्टिकल बताया, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, मैंने आपको तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने एक वीडियो में बता रखा है,
उसको जाकर देख लो। बी स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, यानी कि शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम, इस पर आर्टिकल आ सकता है। सी योर एम इन लाइफ, यानी कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, इस पर आर्टिकल आ सकता है। तो तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखें, या तो फिर आप पैसेज वाइज लिखें। जैसे आप एक पैसेज लिखा आपने आर्टिकल उसके बारे में, जैसे टेररिज्म पर आर्टिकल लिख रहे हैं, एक पैसेज लिखा फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पैसेज फिर तीसरा पैसेज, ऐसे तीन चार पैसेजेज में डिवाइड करके लिखें। ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल ऐसे एक पेज में लिख दिया काम खत्म, ये गलत तरीका है। ठीक है, या तो आप हेडिंग वाइज लिखें या तो पैसेज वाइज लिखें। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। अब लेटर पे चलते हैं, 10 नंबर देखो। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और लगा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी कि किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को अपना परिचय देते हुए, मतलब बढ़ती मूल्य वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए आपको पत्र लिखना है कि भैया जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो लगातार बढ़ रहा है, इसको आप सुधारिए। ठीक है, सेक्शन सी पे आते हैं, ग्रामर पोर्शन पे। इसका चौथा क्वेश्चन है, देखो अब ग्रामर आ गया। सेक्शन बी में हमारा 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर रहेगा। सेक्शन सी ग्रामर है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन दो दो नंबर का, 10 नंबर का रहेगा। इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स और सिंटैक्स रहेंगे। देखो जैसे वन हु सीज, ए वाला देखो, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो किसी चीज का अंधेरा पक्ष देखता है, डार्क साइड देखता है, उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट है ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, सेकंड है पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी, थर्ड है डार्की यानी कि अंधेरा, फोर्थ है होपलेस यानी कि निराशाजनक। तो उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है, मतलब जो हमेशा डार्क साइड को ही देखता है उसे निराशावादी कहा जाता है, हमेशा निराश रहता है। बी देखो, द एप्पल्स ऑफ वंस आई मीन्स, यानी कि आंख का तारा जो होता है उसका अर्थ क्या है। फर्स्ट है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग। सेकंड है ए टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण भाग, आंसू से भरा आंख। थर्ड है वेरी डियर, बहुत प्रिय। फोर्थ है ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि बहुत महंगा इलाज आंख का। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। एप्पल्स ऑफ वंस आई का मतलब होता है, द एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, यानी कि आंखों का तारा होना, ठीक है, बहुत प्रिय होना। सी देखो, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम्स क्या होगा, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। फर्स्ट है फिनिश, फिनिश का मतलब तो समाप्त होना होता है। सेकंड है डीमोलिश, डीमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त होना। थर्ड है स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है क्या बताइए, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। फोर्थ है एंड, एंड का मतलब अंत। तो डीमोलिश होगा इसका, डीमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त होना, और डिस्ट्रॉय का मतलब भी ध्वस्त होना या नष्ट होना। तो दोनों के अर्थ समान है और वर्ड अलग अलग है, यही होगा सिनोनिम्स। ठीक है, डी देखो, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इसमें गलती क्या है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। फर्स्ट है व्हाट, सेकंड टाइम, थर्ड है इन, फोर्थ वॉच, इसमें इन में गलती है, इन यहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया। ई नंबर द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा, बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा जाए। फर्स्ट है गुड, सेकंड है बैड, थर्ड है वर्स, फोर्थ है वर्स्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा है वर्स, जैसे बेटर का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, बेहतर, और वर्स का मतलब होता है बदतर, बदतर जिसको बोलते हैं बदतर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रामर में, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको लिखकर समझाऊंगा। देखो सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया था, तो सॉल्यूशन तो देना ही है आपको। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दो नंबर का रहेगा। मतलब आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। जैसे फर्स्ट है महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो देखो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो महेश भैया महेश रहेंगे, इनके नाम में नाम है, महेश। ठीक है, अब सेट टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे, क्योंकि ये भैया इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम आस्क का यूज करते हैं, आस्क्ड रीता। ठीक है, अब बीच में लगाएंगे व्हाट, क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ड आपका आगे आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। ये कौन सा टेंस है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो, ये आपका टेंस है क्या, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। तो देखो ये यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रीता, रिक्ता लेडीज है फीमेल, तो इनके लिए सी का यूज करेंगे, सी
और इसके साथ वाज लगेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज लगता है। व्हाट सी वाज डूइंग, डूइंग हियर बदल जाएगा दियर में, किसमें बदल जाएगा दियर में। तो ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ऐसे ही आपको बदलना है। ठीक, अब दूसरा वाला देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और हम सेकेंड वाला देखेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा वाला, ये देखो दूसरा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि आपस में झगड़ा मत करो। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे टीचर जी जो हैं वो कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं स्टूडेंट को कि आपस में झगड़ा मत करो। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसको कैसे बनाएंगे, द टीचर, द टीचर, अब जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसी के अनुसार हम यहाँ पे सेट टू के स्थान पर रखेंगे, कमांड कर रहे हैं तो कमांडेड रख देंगे, कमांडेड, ठीक है, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे डोंट है तो नॉट टू हम लिखेंगे, अगर डोंट नहीं होता तो टू का यूज करते, तो यहां पे नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू, ठीक है। क्वेरल आपका क्वेरल ही रहेगा, क्वेरल, ठीक है, क्वेरल विथ, ठीक है, वन एंड अदर, इसको ऐसे रहने देंगे, वन एंड अदर। तो ये आपका हो गया भैया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको मैंने कर दिया, समझ में आ गया होगा आपको, एक आपका इंट्रोगेटिव था, एक इंपरेटिव था, ठीक है, मैंने दोनों समझा दिया, करना आपको एक ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, बी वाला देखो, यहाँ पे ये सिंथेसिस है, इसको भी समझ लेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसमें आपको मीनिंग ना बदले। देखो फर्स्ट है, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है भैया, लेकिन आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, बट मीनिंग ना बदले। ऊपर कहा गया है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं जानता, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कैसे बदलोगे, तो इसको पहले लिखेंगे आई डू नॉट नो, I do not know, ठीक है, बीच में लगाएंगे where, where, अब यहां पे हम लिखेंगे you, where you are going, where you are going। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी where के बाद तो are होना चाहिए और ये इंट्रोगेटिव बनना चाहिए, आप ये कैसे लिख दे, देखो भैया यहां पे where कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा where, यहां पे where का मतलब होगा कि कहां, एक वेयर का मतलब होता है कि कहां, तो इसको इंट्रोगेटिव हम नहीं लेते, तो यहां पे वेयर के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इस वेयर का मतलब कि कहां होता है, हाउ होता तो कि कैसे, मतलब दो प्रकार से यूज करते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव में, एक इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं। तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो, कि कहां आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको भी ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, देखो दूसरा हमारा है, आई डू नॉट, दूसरा सॉरी, ही वॉज फाइंड, यानी कि उसे फाइन, उस पर जुर्माना लगाया गया, ही वॉज इम्प्रिजेंड, उसे कैद कर लिया गया, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, मतलब उस पर जुर्माना लगाया गया, उसे कैद कर लिया गया, दोनों पैसिव वॉइस हैं, इसको कैसे बदलोगे, तो इसको सिर्फ ऐसे लिख दो, ही वॉज फाइंड, आपको कंपाउंड में बदलना है, तो ही वॉज फाइंड, बीच में लगा दो एंड, ही वॉज फाइंड एंड इम्प्रिजेंड, ठीक है, इम्प्रिजेंड, इम्प्रिजेंड, ठीक है, He was fined and imprisoned, यानी कि उस पर जुर्माना लगाया गया और कैद कर लिया गया, बस हो गया, ये आपका कंपाउंड में बदल गया। तो यही आपका इसमें सिंथेसिस में होता है। अब चलिए ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, सी वाला देखो, ये ट्रांसफॉर्म आपको सेंटेंसेज को करना होता है। देखो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे फर्स्ट देखो, जम्मू इज नॉट एज सो हॉट एज दिल्ली, यानी कि जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, ये आपको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, कॉम्परेटिव में आपको बदलना है, कैसे बदलोगे बताओ। तो देखो जम्मू दिल्ली के जितना गर्म नहीं है, ठीक है, तो यहां पे हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले दिल्ली लिखेंगे, दिल्ली इज हॉटर, हॉटर देखिए कंपरेटिव में ई आर लगाते हैं, हॉटर देन जम्मू, देन जम्मू, ठीक है, यानी कि दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है, ये आपका बदल गया कॉम्परेटिव में, मैंने हॉट के साथ ई आर लगा दिया, ठीक है। ऊपर क्या था कि दिल्ली जो जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, इसका मतलब
दिल्ली ज्यादा गर्म है, तो इसको मैंने लिख दिया दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, मतलब दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है, वही चीज है। ऊपर देखो जम्मू दिल्ली के इतना गर्म नहीं है, यानी कि जम्मू कम गर्म है दिल्ली से, तो वही मैंने यहां पे लिख दिया है, दिल्ली को पहले लिख दिया। दूसरा, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो अगर हु है भैया तो इसको बाई हुम से बदलते हैं, बाई हुम कैन, ठीक है। अब किसे, इट, ये आपका हो जाएगा इट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे इट बी, इट बी डन, ठीक है, कैन के साथ बी लगेगा पैसिव वॉइस में, तो बाई होम कैन इट बी डन, बस हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस में बदल जा चुका है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भैया, इनका नाम है इनका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं सिंटैक्स पे, देखो ये हमारा सिंटैक्स है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंटैक्स का मतलब होता है इसमें सेंटेंस में गलती होगी उसको सही करके आपको लिखना होता है। देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फर्स्ट है दोनों में से एक ही आपको करेक्ट करना है, दियर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, दो नंबर का ही आएगा, मतलब दियर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, इसमें गलती क्या है, देखो भैया डियर के साथ एम नहीं लगता, डियर के साथ आर लगता है, बस यही गलती है, इतना तो आप जानते ही हैं, छोटे बच्चे हो क्या, तो डियर आर, ठीक है, लार्ज आर लगाइएगा, एम नहीं लगता भैया, आई के साथ एम लगता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, ठीक है, इन दिस स्कूल, बस हो गया, ठीक है, यानी कि इस स्कूल में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी कि ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, वह यह काम करते करते थक गया है, तो देखो यहां पे लिखेंगे ही इज टायर्ड, ठीक है, ही इज टायर्ड, ऐसे लिखना है, मतलब थोड़ा सा आपको गलती जो है उसको पकड़ के खूब पीटना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ही इज टायर्ड, टू के जगह पर आपको ऑफ कर देना, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ऑफ कर दीजिएगा डूइंग दिस वर्क, ठीक है, यानी कि वो ये काम करते करते थक गया है, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, बस हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें ग्रामर में एक चीज और रहता है, उसको भी थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको, इनका नाम है होमोफोन्स, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी कि आपको दो जोड़े दिए गए हैं, देखो ये पेयर्स हैं, आइडल आइडियल, ठीक है, और बर्थ बर्थ, इसमें आपको ऐसा बताना है, दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, जुड़वा भाई लग रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है सेंटेंस में यूज करके, जैसे मैं दूसरा करना चाहता हूं, मैं एक करवा देता हूं, देखो दूसरा, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ब्लैक पेन का हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे हम बर्थ हमारा है, बर्थ है ये देखो नीचे, और एक ये बर्थ है, ठीक है, बर्थ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, और इस बर्थ का मतलब होता है घाट, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपने मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन इसका सेंटेंस में यूज करना है, जैसे हम करते हैं ऐसे आपको यूज करके दिखाना होगा, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, तो इसको ऐसे लिख देंगे, जैसे कुछ माई सिस्टर जस्ट गेव, ठीक है, बर्थ टू ए स्वीट बेबी, ठीक है, गर्ल सी नेम, अब नेम में बहुत अच्छा सा रखाऊंगा, रोजी किसका नाम है भाई, रोजी, ये तो देखो मैंने यहां पे बर्थ का यूज कर दिया, देखो कहां है ये, देखो बर्थ का, माई सिस्टर जस्ट गेव बर्थ टू ए स्वीट बेबी गर्ल सी नेम्ड रोजी, यानी कि मेरी बहन ने हाल ही में एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, उसका नाम रोजी है, कितना अच्छा नाम है ना, ठीक है, आगे देखिए, दूसरे बर्थ का मतलब होता है घाट, ठीक है, तो इसको कुछ हम लिख देंगे, जैसे आई बुक्ड द अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी
जर्नी, ठीक है, यानी कि आई बुकड द अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी, यानी कि मैंने अपनी ट्रेन यात्रा के लिए एक घाट बुक किया है, ठीक है। तो बस हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा होमोफोन्स, ठीक है। ऐसे ही आपको मीनिंग लिखकर थोड़ा सा सेंटेंस में यूज करना है। इसमें सिक्स नंबर रहता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे देखो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, पांच नंबर का रहेगा। देखो ये आपका हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब ये ट्रांसलेशन जो है सब नहीं कर पाएंगे, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे वही हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, सब इसका इसको ट्रांसलेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है भाई, ठीक है, क्योंकि प्रयास करने से ही आप कुछ कर पाएंगे, तो ये आपको ट्रांसलेट करना होगा। सेक्शन डी, सेक्शन सी हमारा 25 नंबर का हो गया। अब सेक्शन डी लिटरेचर आता है सबसे ज्यादा नंबर का, 40 नंबर का ये सेक्शन होता है, जिसमें 15 नंबर के प्रोज के क्वेश्चन, 10 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का सप्लीमेंट्री, टोटल 40 नंबर। सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन रहेगा सातवां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, 8 नंबर का रहेगा, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। चार चार नंबर का रहेगा दो क्वेश्चन। ए देखो, हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका है कि एम हेमल ने उचित पढ़ाई में उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया, ठीक है, और लगा है नहीं पता, तो आप ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन था, ये देखो, हु वाज द रैट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था, ये द रैट्रैप चैप्टर से है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग के जो चार चैप्टर है उसके अगर क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाते हैं फिर बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। बी देखो, मतलब इसमें दोनों में से एक ही करना है। बी देखो, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या महत्व था, नहीं पता तो और लगाइए, ए लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, तो दोनों में से किसी एक को करना, मतलब आपको इन दोनों में से एक करना, इन दोनों में से एक करना, आठ नंबर मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्टिंग के आपके जो चैप्टर है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड सॉरी, ऐसे आपको चार क्वेश्चन है, द रैट ट्रैप, ठीक, इन सबको पढ़ लीजिएगा। इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा सात नंबर का, तभी तो 15 नंबर होगा, आठ नंबर का शॉर्ट, सात नंबर का लॉन्ग। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको इसको 80 शब्दों में आंसर देना होगा क्योंकि सात नंबर का रहेगा। देखो, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस जो है, ये डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, डगलस ने पानी के प्रति अपने डर को काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया, नहीं पता तो बी देखो, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में दर्शाए अनुसार कचरा बीनने वालों की दुर्दशा का आपको वर्णन करना है, ठीक है, तो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। नाइन नंबर पोएट्री पे अब हम लोग आते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, छह नंबर का रहेगा। देखो, ए थिंग का ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ये बोर क्वाइट फॉर अस एंड ये स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि ये जो आपका है ये ए थिंग का ब्यूटी चैप्टर का है, ये हमारा स्टेंजा, ए थिंग का ब्यूटी यानी कि सुंदर चीजों का जो होते हैं, सुंदर वस्तु जो होती है, इट्स ये जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें आनंद देती है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता रहता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी शून्यता में नहीं जाता, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, बट विल कीप ये बोर क्वाइट फॉर अस, और ये हमें जैसे पेड़ की छाया होती है वैसे ही हमें शांति प्रदान करती है, एंड ये स्लीप, और हमें बहुत अच्छी नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वो नींद जो है बहुत मीठे मीठे सपनों से भरी होती है, एंड हेल्थ, और हमें स्वास्थ्य देती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और सांस लेने में भी शांति प्रदान करती है। देखो, इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, तीन क्वेश्चन दो दो नंबर के, दो दो दो। देखो, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग का ब्यूटी, पोएट जो है वो ए थिंग का ब्यूटी के बारे में क्या फील करता है, तो वो कहता है कि ये थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इतना लिख दो आ जाएगा नंबर बी। व्हाट डज द पोएट मीन बाय इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब द पोएट सेज दैट द ए थिंग का ब्यूटी इज नेवर फेड अवे, वो कभी बेकार नहीं जाती है, इन व्हाट सेंस ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर जो है मतलब वो आनंद प्रदान करती है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा बहुत आप लिख देंगे नंबर आपको भर भर के यू दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का जब तक आप कमाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे हमारा 6 नंबर का पोएट्री में स्टेंजा हो गया, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया रहेगा। देखो,
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तीनों में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, जैसे कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, आंट जेनिफर टाइगर। ये शायद आप में नहीं है चैप्टर, तो इसको हटा दीजिएगा, इसमें ए थिंग का ब्यूटी ले आइएगा। तो इनका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, मतलब तीनों सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंग्लिश में देखा जाए तो सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जो फिक्स होता है। इसमें आप तीन सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो। कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66 एंड ए थिंग का ब्यूटी, इन तीन सेंट्रल आइडिया को पढ़ के जाओगे तो चार में चार लाओगे और ये टॉपिक फिक्स होता है। अब सप्लीमेंट्री रीडर पे आते हैं, इसमें भी प्रोज की तरह क्वेश्चन रहेगा, मतलब दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबव 40 वर्ड। ए है, हु वाज हाना, हाना कौन थी, ठीक है बताइए हाना कौन थी। हाउ डिड हाना मीट सदाओ, हाना सदाओ से कैसे मिली। और लगा नहीं पता तो इसको लिख दो, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन करो, नहीं पता। अब देखिए बी वाला, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, मतलब थर्ड लेवल क्या था, वो कहाँ स्थित था, ये हमारे द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है। और व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। ये टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है, द टाइगर किंग, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। देखो भैया मैंने बताया इंग्लिश में स्टार्टिंग के जो तीन चार चैप्टर है उसको जो पढ़ लिया अच्छे से, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से पूरा नंबर आ जाएगा, ध्यान रखना। चार चार चैप्टर बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग पे आते हैं, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वाज प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग शो, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकी युद्ध कैदी की जान कैसे बचाई और हाना ने ऐसा करने से में उसकी मदद कैसे की। बी, हु वाज सैम बीनर, सैम बीनर कौन था। व्हाट वाज ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उन्होंने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा। तो यहाँ पे हमारा पूरा पेपर फिनिश होता है। हमारा जो सेक्शन ए था 15 नंबर का था रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर और सेक्शन डी लिटरेचर हमारा 40 नंबर का था। टोटल 100 नंबर का पेपर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये पूरा इंग्लिश का पेपर था, ये इंग्लिश का एक वायरल पेपर था, आप लोग कह सकते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली। ऐसे ऐसे सीखते रहो, बढ़ते रहो और आएगा बोर्ड एग्जाम, उसमें छाप के आओगे, टेंशन मत लो। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।